कुरुक्षेत्र उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में समाधान शिविर आयोजित करके महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस समाधान शिविर में संबंधित समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है तथा संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। समाधान शिविर में आने वाली समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि यह शिविर समस्याओं के समाधान में कारगर साबित होंगे, क्योंकि एक ही समय में सभी अधिकारी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे एक ही स्थान पर मौजूद रहते हैं, जिससे जनता और अधिकारियों में आपसी तालमेल रहता है। हमें ये समाधान शिविर लगाया है, सरकार के निर्देशानुसार क्या कहना चाहेंगे? सरकार के निर्देशानुसार पूरे क्षेत्र में समाधान शिविर लगाया गया है, जिसमें कि सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और तकरीबन 7-8 शिकायतें अभी तक आ चुकी हैं समाधान शिविर में। और जैसे कि निर्देश रहे हैं कि जो भी अपनी समस्या लेकर आता है उसका त्वरित समाधान किया जाएगा। अगर त्वरित समाधान पॉसिबल नहीं है, कोई भी हेडक्वार्टर से रिलेटेड अगर कोई उसमें इंटरवेंशन चाहिए तो उनको भी तुरंत वहाँ पर हेडक्वार्टर से टाइप करके उनकी समस्या का संपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। इस शिविर में किस तरह की शिकायतें आ रही हैं? देखिए, इसमें फैमिली आईडी से संबंधित, प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित, उसके अलावा राशन कार्ड से संबंधित शिकायतें और कुछ आपसी जिनके डिस्प्यूट होते हैं वो शिकायतें भी इसमें आ रही हैं। जी सर, ये प्रदेश सरकार ने 2 घंटे का जो शिविर लगाया आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट के आदेश से कोई समाधान प्रकोष्ठ बना है हर डिस्ट्रिक्ट में। हर डिस्ट्रिक्ट का, हर डिपार्टमेंट का सीनियर अफसर उसमें 9 बजे से 11 बजे तक लोगों की शिकायतें सुनता है और एसपी साहब के आदेश के अनुसार हर रोज एक DSP आता है जो पुलिस से कंसर्न जो भी कंप्लेंट्स है उनका मौके पर समाधान करता है या कंसर्न एसएचओ को डायरेक्शन करता है लीगल काम के लिए।